तो इही मौके पे चौका मार दो। अब तुम्हें करना का है ई सुनो। समर बबुआ का आज मैच है, तो पहुंच जाओ धड़ल्ले से वहाँ। अरे छुटकी, मेलजोल बढ़ाओ उनसे। हमारा सपना है छुटकी बहना, घर में तुम बहू बनकर आओ। लेकिन दीदी, मुझे नहीं लगता कि आप जो भी सोच रही हैं ना, वैसा कुछ भी होगा। आपके ससुराल वालों को मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। ये एक बार शादी हो गई तो मरकर ही पीछा छूटता है। छुटकी बहना, तुम्हें क्या पता कि कितना बड़ा कारोबार है। एक बार तुम घर में आ गई ना बहू बनके, तो दोनों बहनें मिलकर राज करेंगी। हाँ, और रही बात शादी टूटने की, तो समझो उसकी शुरुआत हो चुकी है। तनिक भरोसा रखो हम पर, बहुत जल्द हमारा ससुराल तुम्हारा भी ससुराल हो जाएगा। जैसा हम कह रहे हैं ना बहना, वैसा ही करो और पहुंच जाओ सीधा समर बबुआ के मैच पे। नजदीकी बढ़ाओ, बाकी सारे काम तो हम देख ही लेंगे। ई बारी सिया रानी को ही घर से बहरा ठेल कर ही दम लेंगे हम। बड़ी बुआ कह रही है कि वो शुगर फ्री हलवा खाएंगी। ठीक है, हम उनके लिए थोड़ा सा हलवा अलग से निकाल देते हैं। अरे रिमझिम बेटा सुनो, आप हमारा एक काम करेंगे? बोलिए चाची। जहाँ समर चाचू का मैच हो रहा है वहाँ पता करके बताइए कि वहाँ खाना भिजवा सकते हैं, और ये भी पता करके बताइए कि मैच शुरू हुआ या नहीं। मैं पता करके बताती हूँ चाची। सिकरी देवरानी, तुम झरझर वाली को कौन सी दवाई दे डाली जो अभी तक फो फो करके सो रही है? दीदी, हमने तो पेन किलर ही दी थी। जाने कौन सा पेन किलर दे दी तुम, अभी तक नहीं उठी। नहीं की चाची, समझ जाता। तू का इधर से उधर फुदक रही है, तनिक जाके पढ़ा लिखाई करो, जाओ यहाँ से। और सासू माँ का कह रही थी? समर बबुआ गुस्सा था तुमसे। हाँ, वो थोड़े से नाराज है। दीदी, हमने हलवा बना दिया है और बड़ी ननन जी को शुगर फ्री हलवा चाहिए, हमने वो भी अलग से निकाल के रख दिया। दीदी, हम थोड़ी देर में आए। चल
आज्ञाकारी बनने की कौनो जरूरत नहीं है। जाओ जहाँ जाना है। भगवान, आज समझे भूखे ही चले गए और ये जो कुछ भी हुआ सिर्फ और सिर्फ हमारी वजह से हुआ। अब हम तभी अन्न और जल ग्रहण करेंगे जब समझे खाएंगे। भगवान आज उन्हें कामयाबी दीजिएगा। आप क्या कर रही है चाची? बेटा हम भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि आज आपके समर चाचू बहुत अच्छा मैच खेले। लेकिन चाची मैं अभी आदित्य से जाके कहती हूँ कि मैच कैसे चल रहा है पता करें। अभी अभी समर चाचा ने सिक्का लगाया नहीं कि चाची? अंकल ने बोला कि सर चाचू की टीम जीत गई है और उन्होंने एक सेंचुरी बनाई है। छोटकी बहू, ये देखिए अम्मा, ये हलवा दिया है आपकी नई की बहू ने हमें, जिसमें इतना बड़ा बाल निकला है। दीदी, ये बाल कहाँ से आया? हमने तो तुमने नहीं तो क्या बाल उड़ के पहुँच गया? तुमने हलवे में बाल डाला है नई की भाभी, क्योंकि हमने तुमसे अलग से हलवा मांग लिया था और तुम्हें बुरा लग गया, इसीलिए तुमने हमेशा की तरह हमसे खुन्नस निकालने के लिए ऐसे किया बिना बोले। वाह रे छोटकी बहू, रोज कुछ ना कुछ होता है लेकिन तुम ना सीखती हो और ना ही सावधानी बरतती हो और इतनी गैर जिम्मेदार हो कि तुम्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। अब लो ये हलवा तुम ही खाओ। अब तुम्हें इतना बड़ा बाल दिखाई नहीं दिया? अब खड़ी मत रहो हमारे सामने, चली जाओ यहाँ से, खून खोल रहा है हमारा। सुना नहीं तुमने? अनहो जाओ, जाओ अपने कमरे में। सासु माँ, हमरा तो दिल धुक धुका रहा है ये सब देख के। साचो ये छुटकी देवरानी, इससे तो बहुत ही डर लग रहा है अब हमको। कब का करते भगवान जी जाने। अब तो अम्मा कुछ तो करना पड़ेगा इसका।
दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही है। दादी, मम्मी को कुछ हो गया, चिल्लाया डुलाया चिल्लाया, वो सोकर उठ ही नहीं रही। माई रे माई, अब तो हर चाल कामयाब हो रही है। वारे गिन्नी देवी, कर दी कमाल।